गुड आफ्टरनून, आई एम सतीश कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर आई एम टी कॉलेज ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द वर्क ऑफ क्लासिकल थिंकर मैक्स वेबर। ही इज अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट एंड ही इज नोन एज द क्लास क्रिटिकल थिंकर। सो ही रोट द मैनी वर्क्स एंड मैनी बुक्स इन द सोशियोलॉजी। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द हिज वर्क ऑफ द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। सो इनकी जो बुक थी द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इस बुक में इन्होंने बताया था कि कैसे कैपिटलिज्म जो है वो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों में कैसे वो ज़्यादा जागृत या उसकी जो स्पिरिट थी, उसकी एथिक्स था, वो ज़्यादा स्प्रेड हुआ है कैपिटलिज्म में, जो कि आपका प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों में। अगर हम क्लास मैक्स वेबर की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल, इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु जून 14, 1920 में हुई थी। इन्होंने बहुत सारे फेमस वर्क बुक लिखे थे जिसमें आपका एक रेशनलाइजेशन भी था आपका, और आपका अथॉरिटी इनकी बहुत पॉपुलर वर्क मानी जाती है जिसमें ये बात करते हैं ट्रेडिशनल रेशनल एंड एंड कैरिस्मेटिक अथॉरिटी की बात करते हैं ये। सो इस बुक में इन्होंने बात किया था बेसिकली, दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1904। सो इन दिस बुक ही टॉक अबाउट द व्हाट इज द हाउ द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड हाउ द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इरोज इन द प्रोटेस्टेंट रिलीजन। सो फर्दर ही डिस्कस अबाउट दैट द हाउ द कैपिटलिज्म आर इरोज इन द प्रोटेस्टेंट रिलीजन पीपल्स। सो बेसिकली अगर हम इसकी बात वर्क को देखते हैं तो इसमें इनको कहना है कि ही एस्टेब्लिश पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने एक एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया था जिसमें इनका मानना था कि जो कैपिटलिज्म की जो विचारधारा थी वो ज़्यादा सफल हुआ था प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के बीच में। उसके पीछे इन्होंने विभिन्न कारणों को बताया था जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, और फर्दर इनकी जो चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्या उनके अंदर क्या साइन थे या क्या उनके अंदर पॉजिटिविटी थी जिसके कारण क्या था कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा अन्य कंट्री या अन्य रिलीजन के वजह आपका प्रोटेस्टेंट धर्म में लोग कैपिटलिज्म का ज़्यादा विकास हुआ था। वेस्टर्न कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू वेबर एज्यूम्ड इट सेव्स बिकॉज इट वाज सपोर्टेड बाय अ सर्टेन बिलीफ सिस्टम नेमली द प्रोटेस्टेंट एथिक्स। सो इनका मानना था कि कैसे प्रोटेस्टेंट को के थ्रू कैपिटलिज्म को एक सेव दिया गया और उनके जो बिलीफ सिस्टम थे उसके द्वारा कैसे बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म का उदय हुआ था। बेसिकली अगर हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो हम एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को देख सकते हैं। जब आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया इंग्लैंड में, इंग्लैंड की क्रांति से, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के द्वारा धीरे धीरे क्या हुआ कि आपका सोसाइटी दो क्लासेस में धीरे धीरे आपका डिवीजन हुआ, जिस कारण से क्या हुआ कि दो सोसाइटी में डिवीजन होने के कारण से कैपिटलिस्ट वर्ग हुआ और दूसरा लेबर क्लास। तो वहीं से आप हमारी ये कैपिटलिज्म की धारणा, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी लोगों में एमर्ज होने लगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को एक्यूमुलेट करने का प्रयास करने लगे। वेबर आर्ग्यू दैट द प्रोटेस्टेंट एथिक्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। सो वेबर का मानना था कि जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स था, जो भी उनके एथिक्स थे प्रोटेस्टेंट के रिलीजन के, वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत क्लोज था किसके, कैपिटलिज्म के उदय का या स्पिरिट के। इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट दिस इंटर रिलेशनशिप वेबर कंस्ट्रक्टेड आइडियल टाइप ऑफ बोथ द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। सो इनका कहना है कि जो भी आपके आइडियल टाइप थे, आइडियल टाइप जो भी आपके जैसा कि आइडियल टाइप की बात एमिल दर्खाइम करते हैं, जिसमें इनका कहना है कि आइडियल टाइप होता क्या है कि जो आपका कंस्ट्रेंट होता है एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, एंड वो क्या करता है, वो साइकोलॉजी से हटके एक अलग से दबाव, बाहरी दबाव डालता है। तो उसी तरह वेबर ने क्या किया, आइडियल टाइप के तरह से कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास किया था। फर्दर वेबर प्रपोज अ थ्योरी ऑफ हेल्प एक्सप्लेनेशन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन वेस्टर्न यूरोप। सो ये क्या करते हैं कि इसके वेस्टर्न के यूरोप में जो डेवलपमेंट के होते हैं, कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट है, उसको एक थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। वेबर स्टेटेड दैट प्रोटेस्टेंटिज्म स्पेसिफिकली कैल्विनिज्म प्ले अ लार्ज रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इनका मानना था कि जो भी आपका प्रोटेस्टेंट में जो काल्विनवाद है, काल्विनवाद के कारण क्या है, वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता था कि डेवलपमेंट कैपिटलिज्म के उदय के डेवलपमेंट के लिए। लेड हिम टू कनेक्शन बिटवीन द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म।
We were first observed a correlation between being Protestant and being involved in business and declared his intent to explore religion as a potential cause of the modern economic conditions. So, इनका मानना था कि जो भी आपके रिलीजन है, रिलीजन एक पोटेंशियल काज था जो भी, क्योंकि आज के जो आधुनिक आर्थिक निर्माण का निर्माण हुआ है या जो भी आज की आधुनिक आधुनिक आर्थिक स्थिति है उसके लिए क्या था आपका एक एक बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था. वेबर वाज इंटरेस्टेड प्राइमरली इन द सिस्टम ऑफ आइडियाज ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन इन द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड इन रेशनलाइजेशन एज अ मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज. सो वेबर क्या करते हैं, बात करते हैं कि जो भी आपके प्राइमरी सिस्टम के आइडियाज थे, जो भी आपके वर्ल्ड के रिलीजन्स थे जिसके कारण जो भी आपका स्पिरिट था कैपिटलिज्म का वो बहुत ज़्यादा रेशनलाइजेशन एंड मॉडर्न सिस्टम नॉर्म्स एंड वैल्यू के थे. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी द वेबर ऑब्जर्वेशन. सो हियर वी कैन सी दैट ही वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन द वेरियस स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट ऑफ द सोसाइटी इन विच दे एग्जिस्ट सर्व to facilitate or impede rationalization and the structural aspect of capitalism and the rest of the modern world. So basically इनका interest ज़्यादा आपके ज़्यादातर दुनिया के सारे जो basically इन्होंने दुनिया के छह धर्मों पर study किया था जिसके द्वारा इन्होंने एक structural component society का जो structural component था उसको establish करने का प्रयास किया. और इसके द्वारा ये बात करते हैं कि जो भी आपका rationalization है या आपका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है कैपिटलिज्म का वो सब चीज़ें कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में इम्पैक्ट कर रही है. ही ट्रेसेस द इम्पैक्ट ऑफ एस्टिक प्रोटेस्टेंटिज्म प्राइमरली कालविनिज्म ऑन द राइज ऑफ द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. सो इसके द्वारा जो इन्होंने स्टडी किया था सो इस स्टडी में इन्होंने पाया कि जो भी आपका कालविनवाद है वो क्या है एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है राइज ऑफ द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का. कि जो भी आपके प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग हैं प्रोटेस्टेंट हैं उनके अंदर क्या है कि कालविनवाद के द्वारा बहुत ज़्यादा स्पिरिट हो रहा है कैपिटलिज्म का स्पिरिट हो रहा है. वो हेल्थ इज वेल्थ को मानते हुए और उनका बेसिकली मेन फोकस कि गॉड को गॉड की पूजा ना करके हमें अपने कैपिटल अपने पूंजी की पूजा करनी चाहिए जिसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी इकट्ठा करेंगे तो हमारा गॉड हमसे खुश होगा. इस आइडियोलॉजी पे चलते हुए ये क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या उस पर विकास के को लेके प्रयास करने करते हैं. इन मॉडर्न यूरोप द मेजोरिटी ऑफ कैपिटलिस्ट वर प्रोटेस्टेंट. सो अपने स्टडी में इन ऑब्जर्वेशन में इन्होंने पाया कि जो मॉडर्न यूरोप के लोग थे उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपिटलिस्ट लोग थे उसमें मेजोरिटी में ज़्यादा थे प्रोटेस्टेंट लोग थे. तो इन्होंने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को लेके जो इनका कंपरेटिव स्टडी था तो कैथोलिक के लोगों में अंदर वो चीज़ें नहीं पाई गई जो आपका प्रोटेस्टेंट के लोगों में पाई गई थी. सो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों में क्या था कि कैपिटल का उदय होने की तीव्र गति थी और उनके अंदर कैपिटल का विकास ज़्यादा हुआ था बल्कि कैथोलिक के अंदर ज़्यादा उतनी उस लेवल पर विकास या उस लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया था. ही चेक यूजिंग द टेक्निक ऑफ आइडियल टाइप. सो ये क्या करते थे ये क्या इन्होंने जब अपने ऑब्जर्वेशन किया अपने स्टडी किया उसमें इन्होंने आइडियल टाइप का इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था इस स्टडी को करने के लिए. कालविनिज इज अ थियोलॉजिकल सिस्टम एंड अप्रोच टू क्रिश्चियन लाइफ दैट एम्फसाइज गॉड्स सॉवरेन इन ऑल थिंग्स. तो इनका कहना था कि जो कालविनवाद है वो क्या है जो कालविनवाद जो थियोलॉजिकल सिस्टम है वो क्या है क्रिश्चियन लाइफ को एम्फसाइज करता है एंड गॉड सॉवरेन इन ऑल थिंग्स. वो गॉड भगवान को सभी चीज़ों में सभी जगह वो भगवान को महसूस करने का प्रयास करता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाट इज स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. सो हम इसमें देखते हैं कि स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है क्या. तो हम इसमें पाते हैं कि स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म को अगर हम देखते हैं तो दिस डिजायर ऑफ वेल्थ और प्रॉफिट इज एज ओल्ड एज ह्यूमन हिस्ट्री. तो इनका कहना है कि जो भी आपका कैपिटलिज्म का जो स्पिरिट है वो आज से नहीं है बल्कि वो आपके पुराने इतिहास ह्यूमन मानव इतिहास के पुराने समय से आता रहा है. सो जो भी आपके वेल्थ हैं वेल्थ को एक्युमुलेट करने का डिजायर है या जो भी चीज़ें हैं वो मानव इतिहास के पुराने वर्ष समय से ही चला आ रहा है.
तो आज के समय में जैसे जैसे वो समय बढ़ता गया, लोगों के अंदर एक्यूमुलेट करने की भावना और भी बढ़ने लगी, जिस कारण से लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट करने का प्रयास करने लगे। बट नेवर बिफोर इन ह्यूमन हिस्ट्री डिड द डिजायर फॉर वेल्थ एज्यूम द ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन फ्रॉम दैट इट डिड नॉट मॉडर्न इन रेशनल कैपिटलिज्म। इसमें ये बात करते हैं कि जो भी ह्यूमन हिस्ट्री थी जिसमें क्या था वेल्थ को एक्यूमुलेट करने का डिजायर था या फिर जो भी ऑर्गेनाइज करने का डिसिप्लिन था वो क्या था कि वो डिफरेंट था मॉडर्न आर्ट जो रेशनल कैपिटलिज्म है उससे क्या था वो काफ़ी डिफरेंट था। इट इज़ द रेशनल कैपिटलिज्म दैट वेबर वांटेड टू स्टडी। इसमें क्या है अपने स्टडी में वेबर क्या करते हैं कि जो रेशनल कैपिटलिज्म था उसको स्टडी करने का प्रयास करते हैं। हे डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म ऑफ फॉर्मर टाइम्स एंड द रेशनल कैपिटलिज्म ऑफ मॉडर्न टाइम्स। इन्होंने क्या किया था वेबर ने कि जो भी आपके पुराने समय में ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म था पहले के और आज के जो रेशनल कैपिटलिज्म आज के आधुनिक समय में, इन दोनों में अंतर करने का प्रयास किया था। इनका मानना था कि जो भी आपके पुराने ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म था वो एक रिलीजन को एक अहम पार्ट लेके मान के आगे बढ़ता है, लेकिन जो आज का आपका मॉडर्न कैपिटलिज्म मॉडर्न रेशनल कैपिटलिज्म है इसमें क्या था कि रेशनैलिटी को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और उसमें क्या था आपका ट्रेडिशनल को बहुत कम ये फोकस किया गया था। तो जिसमें आकर रेशनैलिटी को फोकस करने के कारण चीज़ें क्या बदलाव आया कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी को ऐड किया गया, जिसके कारण क्या था कि कैपिटल एक्यूमुलेशन और कैपिटल को गेन करने के टेक्निक मेथड्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस को लाया गया था। द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज अ वर्क एथिक विच कॉल फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ फॉर इट्स ओन सेक। तो जो भी आपके स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है जो अभी वर्क एथिक्स है ये सब क्या था एक्यूमुलेशन वेल्थ का आपका इससे खुद के ओन सेक के लिए कर लोग आज के समय में कर रहे हैं। तो जिससे क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलिज्म एक्यूमुलेट होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे उस कैपिटल का एंजॉय कर सकते हैं। टू डू सो वर्क हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज इज एन एफिशियंट डिसिप्लिन मैनर। इसके कारण जो ऐसा करने से क्या हुआ कि वर्क क्या था बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुआ और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट डिसिप्लिन मैनर के तहत वर्क को फोकस किया गया। हार्ड वर्क इज अ वर्चुअल दैट कैरीज इंस्टिंक्ट रिवार्ड। इनका मानना था कि जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म हुआ है या कैपिटलिज्म को जो भावना लोगों के अंदर आइडियोलॉजी जो एमर्ज हुई है जिसके कारण क्या हुआ कि वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा बड़ा कारण था ये था कि लोगों के अंदर हार्ड वर्क करने की बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्ट था, तो लोग हार्ड वर्क करके उसके अकॉर्डिंग रिवार्ड लेने का प्रयास करते थे, जिसके कारण हार्ड वर्क जैसे जैसे बढ़ता गया उसके अकॉर्डिंग उनको रिवार्ड मिलता गया और धीरे धीरे कैपिटल का एक्यूमुलेशन, कैपिटल का भावना, कैपिटल आइडियोलॉजी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म डिमांड इंडिविजुअलिज्म इनोवेशन हार्ड वर्क एंड द परस्यूट ऑफ वेल्थ फॉर इट्स ओन सेक। इट इज दस एन इकोनॉमिक एथिक्स। वेबर बात करते हैं कि जो जो भी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म था वो क्या करती थी डिमांड करती थी इंडिविजुअलिज्म की, इनोवेशन की, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इनोवेशन होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलिज्म आपका एक्यूमुलेट होगा, ग्रो होगा, उसकी आइडियोलॉजी एमर्ज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं कि आप क्या है इंडिविजुअल हो जाइए, इंडिविजुअलिज्म आपके अंदर भावना आना चाहिए, एकांतवाद या की बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें आपका मोटिव आपका फोकस क्या होना चाहिए आपके कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी के ऊपर इंक्रीज करने को, कैपिटल इंक्रीज करने की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए। फर्दर ये बात करते हैं हार्ड वर्क की, आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा कैपिटल का इंक्रीज होगा, कैपिटल एक्युमुलेट होगा, कैपिटल को और गेन करने का मोटिवेशन आपको मिलेगा। ये बात करते हैं कि ये जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है ये क्या है आपका इकोनॉमिक एथिक्स है। फर्दर व्हाट इज दिस अगर फर्दर ही डिस्क्राइब अबाउट द व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। वी कैन सी दैट द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इन एडिशन टू इट प्रीच एन अवॉइडेंस ऑफ लाइफ प्लीजर्स। ये बात करते हैं कि जो भी आपका स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है वो क्या करता है आपके लाइफ प्रेजर को खत्म करता है, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्क करेंगे हार्ड वर्क करेंगे तो उस लेवल पे आपको उस प्लेजर को फील या अनुभव उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, तो जिस कारण से आप क्या करते हैं अवॉइड करते हैं, अवॉइड करके आप क्या करते हैं चीज़ें लाइफ के प्लेजर को अवॉइड करके हार्ड वर्क करके, हार्ड वर्क करके आप कैपिटल एक्यूमुलेट करना, कैपिटल को इंक्रीज करने का तरीका, नए नए तरीकों का ईजाद करने का प्रयास करते हैं।
also included in the spirit of capitalism are ideas such as time is money, be industrious, be frugal, be punctual, be fair, and earning money is a legitimate end in itself. So, इसके अलावा ये ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं कि स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो आइडिया है वो कैसे है कि टाइम इज मनी. जब तक हम समय को एक मूल्य, समय के मूल्य को ना समझेंगे, समय को एक मूल्य की तरह ना ट्रीट करेंगे, तब तक क्या है कि हम समय को यूं ही जाया करते रहेंगे. तो जिस कारण क्या है कि हमें अपने समय का बहुमूल्य उपयोग करना चाहिए, जिस कारण से हम क्या कर सकते हैं, अपने समय को सही जगह पर इन्वेस्ट करके और हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को गेन कर सकते हैं. भी इंडस्ट्रियस की बात करते हैं, ये कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, आप इंडस्ट्रियस होइए और उसमें क्या है, आप जो भी आपके दिमाग में, जो भी आपके मन में चीज़ें हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करिए. बी पंचुअल, बी फ्रगल की बात करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पंचुअल हो जाइए, टाइमली आपको पंचुअल ध्यान रखिए, चीज़ों को मैनेज करने का तरीका देखिए, फोकस करिए. बी फेयर, अपने काम पे के प्रति बहुत लॉयल है ये, फेयर है ये. एंड अर्निंग मनी इज अ लेजिटिमेट इन इटसेल्फ. और फाइनली वो बात करते हैं कि जो मूल्य अर्निंग मनी है वो क्या हो, एक लेजिटिमेट तरीके से काम ले प्राप्त करें तो ये ज़्यादा बेटर होगा आपके अंदर एक कैपिटल के स्पिरिट को एमर्ज या डेवलप करने के लिए. देयर इज द आइडिया दैट इट इज अ पीपल्स ड्यूटी टू इंक्रीज देयर वेल्थ सीजलेसली. सो ये बात करते हैं कि जो भी आपके अंदर आइडिया है या जो भी आपके अंदर पीपल की ड्यूटी है, सो पीपल की हर एक मनुष्य की खुद की अपनी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को इंक्रीज कर सकता है. दिस टेक्स द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म आउट ऑफ द रियल ऑफ इंडिविजुअल एम्बिशंस एंड इन टू द कैटेगरी ऑफ एन एथिकल इम्पेरेटिव. सो ये बात करते हैं कि जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है वो क्या करता है, इंडिविजुअल के एम्बिशंस एंड जो इसकी कैटेगरी है उसमें कैसे एथिकल इम्पेरेटिव को हम लागू या वहाँ उसकी इम्पार्ट कर सकते हैं. वी वर एडमिटेड दैट अ टाइप ऑफ कैपिटलिज्म, फॉर एग्जाम्पल एडवेंचर कैपिटलिज्म एग्जिस्टेड इन चाइना, इंडिया, बेबीलोन एंड द क्लासिकल वर्ल्ड एंड ड्यूरिंग द मिडिल एज इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कैपिटलिज्म प्राइमरली बिकॉज इट लैक दिस पर्टिकुलर एथॉस. सो वेबर बात करते हैं कि जो भी आपका कैपिटलिज्म है, जैसे आपका जो भी चाइना में है, इंडिया में है या बेबीलोन में है या क्लासिकल वर्ल्ड के ड्यूरिंग जो मिडिल एज में, इस यहाँ सब जो चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें क्या है, वो वेस्टर्न से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अलग है. सो इस कारण से क्या है कि वहाँ पर इंडिया, चाइना या अन्य देशों में उस तरह का स्पिरिट कैपिटलिज्म के लिए, उस तरह का स्पिरिट अन्य देशों में इमर्ज नहीं हो पाया जैसा कि आपका प्रोटेस्टेंट लोगों में हुआ था. अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रोटेस्टेंट एथिक्स, सो ही डिफाइन सर्टेन पैरामीटर्स फॉर द प्रोटेस्टेंट एथिक्स. सो इन दिस द फर्स्ट वन इज द फीचर्स ऑफ प्रोटेस्टेंट या कालविनिज्म. सो पहला ये बात करते हैं कि उसके फीचर्स क्या था कालविनवाद का, या जो भी आपका प्रोटेस्टेंट का फीचर्स जो था, ठीक है, जिस कारण से क्या था उनके एथिक्स जो भी थे उससे क्या था कि आपका कैपिटलिज्म का जो भी एमर्ज हुआ या स्पिरिट का जो भी था, वो चीज़ें आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट या रोल प्ले करता है. प्रोटेस्टेंटिज्म पर्टिकुलरली कालविनिज्म वाज क्रूशियल टू द राइज ऑफ द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. सो ये बात करते हैं कि प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंटवाद जो भी था चीज़ें, उनके अंदर जो भी उनकी आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा पे लेके वो चलते थे, वो जिस विचारधारा से वो काम करते थे, या जो डेडिकेशन था या जो पैसन था कैपिटल 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 को एक्यूमुलेट करने का, उनके कैपिटल को इंक्रीज करने का, ये सब चीज़ें क्या थी, क्रूशियल था कि किस तरह से उनके अंदर राइज, इस एज से क्रूशियल एस्पेक्ट था कि उनके अंदर वो स्पिरिट के राइज होने का. वर्क इज वर्शिप की भावना को लेकर चलते थे, उनको मानते थे कि हमारी काम ही हमारी पूजा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय अपने काम में व्यतीत करने का प्रयास करते थे. टाइम इज मनी, टाइम इज मनी को लेकर वो बात करते थे कि समय ही बहुमूल्य है, मूल्यवान है, सो हमें समय की पूजा, समय को ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए. सो वो अपने समय का बहुत ही सदुपयोग करके सदुपयोग करते थे, जिसके कारण से क्या था कि उनका बहुत ज़्यादा कैपिटल का ग्रोथ हुआ, कैपिटल इंक्रीज बहुत ज़्यादा हुआ.
मनी बेगेट्स मनी। सो इनका मानना था कि मूल्य से पैसे से ही पैसे को बनाया जा सकता है, पैसे से ही पैसे को इंक्रीज किया जा सकता है। तो अपने पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट करना करके, गलत जगह खर्च स्पेंड ना करके, वो अपने पैसे को सही जगह स्पेंड करने के नए नए तरीकों ढूंढने का प्रयास करते थे। क्रिएट मनी बाई फेयर मीन्स। सो इन सब चीज़ों के होने के अलावा वो क्या करते थे कि एक चीज़ों पे बहुत फोकस करते थे कि जो भी हम मनी एक्युमुलेट करें या जो भी हम मनी को इंक्रीज करेंगे वो बहुत ही फेयर मीन से होना चाहिए, उसमें हमारा कोई भी अनफेयर या इन सब चीज़ों को हम फोकस नहीं करेंगे, बल्कि जो भी हम प्रॉपर्टी या कैपिटल को इंक्रीज करेंगे वो बहुत ही फेयरली होना चाहिए। सिंपल लिविंग। सो ये बहुत ही सिंपल लिविंग के कॉन्सेप्ट पे चलते थे। इनकी आइडियोलॉजी बहुत ही सिंपल लिविंग थी, क्योंकि इनका मानना था कि हम अगर अपने इसमें लाइफ स्टाइल को ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मनी स्पेंड करेंगे लाइफ स्टाइल पे, तो उस पर क्या होगा कि हमारे अंदर वो चीज़ें इमर्ज नहीं हो पाएगी और हम क्या है कि कैपिटल या मनी को एक्युमुलेट या इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। So in the next slide we can see that the capitalism in a Weber's thought. So यहाँ बात करते हैं कि Weber's की क्या जो विचारधारा थी capitalism को लेके, उस पर उनका क्या कहना था। तो इसमें the desire for wealth or profit is as old as human history. Wealth has long been regarded as a symbol of power, status and prestige. So Weber का मानना था कि जो भी wealth है या जो भी profit है उसको वो तो आपके पुराने समय से इतिहास पुराने इतिहास से ही एक्युमुलेट करने की परंपरा चली आई है। और वेल्थ का मानना था कि जो भी वेल्थ होता है आपके पास, जो भी पावर है पैसा है, तो वो क्या है, वेल्थ आपका रिगार्डेड सोसाइटी में क्या रिगार्ड किया जाता है, एज अ पावर स्टेटस एंड प्रेस्टीज देता है आपको वेल्थ। हे डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेडिशनल एंड एडवेंचरिस्ट कैपिटलिज्म इन फॉर्मल टाइम्स एंड रेशनल कैपिटलिज्म ऑफ मॉडर्न टाइम्स। सो ये बात करते हैं कि जो भी आपका जो पुराने के फॉर्मर टाइम्स में कैपिटलिस्ट और जो मॉडर्न टाइम में कैपिटलिस्ट है उसमें क्या अंतर है, किस प्रकार के अंतर को जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू वेबर द कैपिटलिस्ट डिजायर वेल्थ नॉट फॉर एंजॉयमेंट और लग्जेरियस लिविंग। सो वेबर बात करते हैं कि जो भी वेल्थ है या कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वेल्थ को अपने एंजॉयमेंट या लग्जेरियस के लिए इस्तेमाल ना करके, बल्कि वो मनी से मनी और कैपिटल से कैपिटल को इंक्रीज करने का प्रयास करते हैं। दे वांटेड इट सो दैट दे कुड यूज इट टू मेक मोर वेल्थ। द फर्स्ट थर्स्ट ऑफ फॉर मनी मेकिंग फॉर इट्स ओन सेक, इट इज अ वेरी एसेंस ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। सो पैसे को बढ़ाने या पैसे को बनाने की जो प्यास है आज के समय में लोगों की, उससे क्या था कि वो एक मॉडर्न कैपिटलिस्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेंस है। कैपिटलिज्म स्ट्रेस द इंडिविजुअलिज्म इनोवेशन एंड द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ प्रॉफिट। सो इनका मानना था कि जो भी कैपिटलिज्म हो वो क्या करता था, इंडिविजुअल को बढ़ावा इनोवेशन एंड प्रॉफिट की तरफ फोकस करने का ज़्यादा प्रयास करता था। आइडियल टाइप ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स। सो अगर हम इसके आइडियल टाइप की बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड कैल्विनिज्म। सो प्रोटेस्टेंट एथिक्स को स्पिरिट को बढ़ाने के लिए, कैपिटलिज्म की स्पिरिट को बढ़ाने के लिए आपका कालविनवाद बहुत ज़्यादा ये था, उसका योगदान था। अगर हम कालविनवाद की बात करते हैं, गिवन बाय जॉन कालविन। सो ओन ग्लोरी, गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड फॉर ओन ग्लोरी, नॉट प्रिस्ट कैन मीडिएट। सो वेबर का मानना था कि जो भगवान ने इस विश्व की रचना किए हैं वो अपने ग्लोरी के लिए किए हैं, ना कि प्रिस्ट और कोई भी पृष्ठ जिसमें क्या है वो मेडिएट कर सकता है। तो इसके पहले क्या था कि जो पृष्ठ होते थे वो लोगों को क्या करते थे, उनके अंदर लोगों की भावना भरते थे कि नहीं मैं ही, मतलब आपको भगवान का रास्ता मेरे से होकर जाता है। तो पृष्ठ क्या करते थे कि लोगों के अंदर इस चीज़ों को भरने का प्रयास करते थे कि विदाउट मेरे आप डायरेक्ट भगवान तक पहुँच नहीं सकते हैं। सो इस चीज़ों को खत्म करने के लिए इन्होंने कहा कि नहीं, पहले जब तक आप कैपिटलिज्म को नहीं बढ़ाएंगे, उसकी स्पिरिट को नहीं अपने अंदर ये करेंगे, सो इस जिसके कारण इसके कारण क्या है कि फिर आप क्या करते हैं, डायरेक्ट आप क्या करते हैं, गॉड से लिंक कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेडिस्टिनेशन, पीपल ऑलरेडी चूजन फॉर हेवन। सो एसिटिसिज्म, द वर्ल्डली एसिटिसिज्म, सेल्फ डिसिप्लिन टू रिसीव ग्लोरी ऑफ गॉड, नोशन ऑफ कॉलिंग ऑल वर्क सेक्रेड।
आइडियल ऑफ कैपिटलिज्म, आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म की अगर हम बात करते हैं, वी विल डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म. मॉडर्न इज रेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड. सो फर्दर ही टॉक अबाउट द वेल्थ नॉट फॉर एंजॉयमेंट बट फॉर द क्रिएटिंग मोर वेल्थ. सो ऑलरेडी आई डिस्कस अबाउट दैट हाउ दैट ही डिस्कस अबाउट द हाउ कैन द प्रोटेस्टेंट पीपल क्रिएट मनी टू मनी फ्रॉम मनी टू एंड मोर मनी. So individualism leads to hard work and innovation, profit, unlimited accumulation of profit by rational organization of work, ethics, time is money, work is worship, worker means to an end. From that above certain criteria, the spirit of capitalism are very emerge and increase in the Protestant religions people. So here we can talk about that the we were discuss about that the study of religion. So he conducted a study of world six religions. So the first one is Confucianism in the ancient China, Hinduism in ancient India and Buddhism, Judaism in ancient Palestine in West Asia and Taoism. So Max Weber sociology study of religion is rooted in his conception of human being as actors ascribing meaning of the world around them. Weber's study of religion focus on the ethos or ethics of religion of the world. So he described that in the two, that asceticism, the otherworldly and inner worldly. Mysticism is that world rejecting and inner worldly. So religion of India, dharma, karma and moksha. वेबर ने क्या किया था, वेबर ने छह प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया था, जिसके द्वारा इन्होंने बताया था कि जो विश्व के अन्य जो छह धर्म हैं, जैसे आपका कन्फ्यूजन चाइना में है, इंडिया के धर्म था बौद्ध था, क्रिश्चियन था और आपका बौद्ध था और आपका क्रिश्चियन और आपका जूस था. इन सब धर्मों का अध्ययन करके इन्होंने बताया था कि जो आपका स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म था वो जितना प्रोटेस्टेंट के अंदर था उसके कंपैरेटिव ऑन वर्ल्ड के अन्य किसी कंट्री या अन्य किसी रिलीजन में वो भावनाएं या वो आइडियोलॉजी नहीं थी. अगर हम बात करते हैं रिलीजन एंड कैपिटलिज्म इन चाइना अकॉर्डिंग टू वेबर, सो इन चाइना देयर वाज अ ट्रेडिशन ऑफ इंटेंस इक्विजिटिवनेस एंड plus competition. So in this in the China we will describe that the what are the obstacle for the not emergence of not the emergence of the religion of in the China. So he not the emergence of the spirit of capitalism in the Chinese people. So he described that the in China there was a tradition of intense acquisitiveness and unscrupulous competition. There was a great industry and innumerous capacity for work in the populace. Powerful guilds existed, the population was expanding and there was steady growth in precious metals. So इनका मानना था कि जो भी आपके चाइना में जो इस कैपिटलिस्ट का स्पिरिट ज़्यादा इमर्ज ना होने के कारण क्या कारण पीछे जो आपका एक कन्फ्यूशियन रिलीजन था और दूसरा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का बढ़ना था. और सेकेंड पॉइंट में ये बात करते हैं कि विद दिस द अदर मेटेरियल प्रीरिक्विजिट व्हाई डिडंट कैपिटलिज्म अराइज इन चाइना. एज हैज बीन पॉइंटेड आउट बिफोर वेबर्स जनरल आंसर वाज द दैट सोशल स्ट्रक्चरल एंड रिलीजियस बैरियर इन चाइना प्रिवेंटेड द डेवलपमेंट ऑफ capitalism. Weber listed several structural barriers to the rise of capitalism in China. The first one is there was the structure of the typical China community. It was held together by rigid kinship bond in the form of ships. The ships were ruled by elders who made them bastion of tradition. The ships were self-contained entities and there was little dealing with other ships. This encouraged small encapsulated land holding and a household based rather than a market economy. The extensive pretensioning of the land prevented major technological development because economies of scale were impossible. Agriculture production remained in the hand of peasant, industrial production in the hands of small scale artisans. Modern cities, which were to become the center of Western capitalism, were inhibited in their development because of people retained their allegiance of the ships. Because of the ships' autonomy, the central government was never able to govern these units effectively or mold them into the unified whole.
स्ट्रक्चर ऑफ द चाइना स्टेट वाज अ सेकंड बैरियर ऑफ द राइज ऑफ कैपिटलिज्म से बात करते हैं कि जो दूसरा बैरियर था कि जो स्ट्रक्चर जो चाइनीज का स्टेट का स्ट्रक्चर था वो दूसरा बैरियर था कि राइज ऑफ कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया था। द स्टेट वाज लार्जली पेट्रीमोनियल एंड गवर्न बाई ट्रेडिशनल प्रेरोगेटिव एंड फेवरेज में। इन वेबर्स व्यू द रेशनल एंड कैलकुलेबल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉ इन्फोर्समेंट विच वॉज नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिड नॉट एग्जिस्ट। देयर आर वेरी फ्यू फॉर्मल लॉज कवरिंग कॉमर्स। देयर वॉज नो सेंट्रल कोर्ट एंड लीगल फॉर्मलाइज वॉज रिजेक्टेड। दिस इरेशनल टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वॉज अ बैरियर टू द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। सो बात करते हैं, कोई भी वहाँ फॉर्मल लॉ ऐसा कुछ कोर्ट नहीं था जिसके कारण एक और बैरियर था कि राइज कैपिटलिज्म का राइज नहीं हो पाया उस तरह से। एज वेबर मेड क्लियर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री इज फॉर टू सेंसिटिव टू सच इरेशनल रूल एंड टू डिपेंडेंट अपॉन द पॉजिटिविली ऑफ कैलकुलेटिंग द स्टडी एंड रेशनल ऑपरेशन ऑफ द स्टेट मशीनरी टू एमर्ज विद इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ दिस टाइप। सो थर्ड स्ट्रक्चरल बैरियर टू द राइज ऑफ कैपिटलिज्म वाज द नेचर ऑफ द चाइनीज लैंग्वेज। सो जो तीसरा बैरियर था कि वो चाइनीज का जो लैंग्वेज था ये एक तीसरे बैरियर के रूप में उभर कर आया था। सो इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज द बैरियर ऑफ द कैपिटलिज्म राइज ऑफ कैपिटलिज्म इन इंडिया। सो वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चरल बैरियर ऑफ द कास्ट। सो ये सबसे पहला बैरियर का मानते हैं कास्ट सिस्टम का कि जो भी इंडिया में कास्ट सिस्टम थी जिस कारण से क्या था कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल का स्प्रिट नहीं हो पाया। Among other things, the caste system erected overwhelming barriers to social mobility and it tended to regulate even the most minute aspect of people's life. The idea system of the Brahmins had a number of components. For example, Brahmins were expected to avoid vulgar occupation and to observe elegance in manner and property in conduct. So, जो ब्राह्मणवाद था भारत में जिस कारण से क्या था एक इस ए, ए, क्या नाम था कि एक कॉम्पोनेंट के रूप में देखा गया जिस कारण से क्या था स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इंडिया में नहीं हो पाया था। द ब्राह्मण आल्सो एम्फसाइज हाईली लिटरेरी काइंड ऑफ एजुकेशन। सो ब्राह्मण क्या थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या थे कि हाईली लिटरेसी काइंड ऑफ एजुकेशन से जुड़े थे। ऑल्दो देयर आर सर्टेनली वर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मण एंड कन्फ्यूशियस। द एथोस ऑफ ईच प्रेजेंटेड ओवरवेलमिंग बैरियर टू द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। सो इस कारण से क्या था कि जो ब्राह्मण और कन्फ्यूशियस थे उनके अंदर एक ये मेजर डिफरेंस था कि ब्राह्मण क्या थे वो ज़्यादा लिटरेरी इस काइंड ऑफ एजुकेशन से जुड़े थे इस कारण से वो कोई अन्य कार्य को नहीं करना चाहते थे। द हिंदू रिलीजन पोस्ट सिमिलरली एडिशनल बैरियर। इट्स की आइडिया वाज री इनक्रिएशन टू द हिंदू अ पर्सन इज बॉर्न इन टू द कास्ट दैट ही और सी डिजर्व बाई वर्च्यू ऑफ बिहेवियर इन अ पास्ट लाइफ। सो जो भी आपके उनके अंदर कास्ट सिस्टम को लेके मिथ था और वेबर ने डिस्कस किया कि जो भी उनके जो भी आपके इनके प्रीवियस बर्थ से प्रीवियस लाइफ से भी जो चीज़ें थी इस कारण से क्या था कि उनके अंदर राइज ऑफ कैपिटलिज्म नहीं हो पाया था। इसके अलावा हम अदर फैक्टर देखते हैं। थ्रू फेथफुल एथरेंस टू द रिचुअल ऑफ कास्ट द हिंदू गेंस मेरिट ऑफ द नेक्स्ट लाइफ। हिंदूज़ मान लाइक कैल्विनिज्म वाज ट्रेडिशनल इन द सेंस दैट सालवेशन वाज टू अचीव्ड बाय फेथफुल फॉलोइंग द रूल्स। इनोवेशन पर्टिकुलरली इन द इकोनॉमिक स्फीयर कुड नॉट लीड टू हायर कास्ट इन द नेक्स्ट लाइफ। सो जो इस सब की नेक्स्ट अगले जन्म की भावनाएं थी लोगों के अंदर कि और जो प्रीवियस जन्म के कर्मों को लेकर चलने की जो कर्म की भावनाएं थी इस कारण से ये सब चीज़ें जो थी लोगों के अंदर स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का उतना उस लेवल का इनोवेशन डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। इट इज द अदर वे द आइडिया सिस्टम एसोसिएटेड विद हिंदुइज्म फेल टू प्रोड्यूस द काइंड ऑफ पीपल हु कुड क्रिएट अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड मोर जनरली अ रेशनली ऑर्डर सोसाइटी। सो इनका मानना था कि जो भी आपका हिंदुइज्म जो था फेल हो गए थे प्रोड्यूस करने में कि इस तरह से लोगों के अंदर जो कैपिटलिस्ट की भावना या इकोनॉमिक एकम्पलीट करने की भावना को इमर्ज करने में जो था आपका हिंदुइज्म था वो फेल हो गया था जिस कारण से क्या था कि भारत में राइज ऑफ कैपिटलिज्म या स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का आइडियोलॉजी इमर्जेंस नहीं हो पाया था। सो फॉर दिस लेक्चर आई यूज टू मेजर रेफरेंस वर्क। द फर्स्ट वर्क इज द जॉर्ज रिटचर सोशियोलॉजिकल थ्योरी
and the second work book is the structure of social theory, Turner JH. So thank you. So I complete here my slide.